दर्शकों इस वक्त मौजूद हैं हम सतलोक आश्रम की पार्किंग में। देख जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन खड़े हैं और पार्किंग सेवादार अपनी सेवा में तत्पर हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ दुपहिया वाहन हैं और चार पहिया वाहन खड़े करने के लिए यहाँ पे पार्किंग छोटी पड़ गई है और इसीलिए चार पहिया वाहन को जो है सड़क पर ही मजबूरन पार्क करवाया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बसें खड़ी हैं, चार पहिया वाहन, कारें देखो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जहाँ तक नजर जा रही है हमारी वहीं तक वाहन खड़े हुए हैं। पार्किंग स्थल को ही देखकर यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में यहाँ पर अनुयायी पहुंचे हैं। दर्शकों ये था पार्किंग का दृश्य, अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और अंदर दिखाएंगे कि कितनी तादाद में यहाँ पर अनुयायी आ चुके हैं और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा स्थित सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। जैसा कि आप जानते ही थे कि यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ रखा गया था जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर महासमागम महाभंडारा चल रहा था और आज उस महासमागम का 3रा दिन है और पाठ प्रकाश पूरा हो चुका है। दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के गेट नंबर 2 पे खड़े हैं। अभी इसी गेट से हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे अंदर का नज़ारा कि यहाँ पर कितनी संख्या में जो है संत रामपाल अनुयायी पहुँचे हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग इस टाइम मौजूद हैं और अंदर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही यहाँ पर इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आजू बाजू यहाँ पर मेन गेट सेवादार खड़े हुए हैं और आने वाले अनुयायियों का आप यहाँ पे देख सकते हैं तांता लगा हुआ है। लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है अंदर प्रवेश कर रही है। सुबह से यहाँ पर ऐसे ही अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। दर्शकों अंदर तो आपने देखा कि पंडाल अनुयायियों से खचाखच भरा हुआ था। साथ ही में आप देख सकते हैं ये है पंडाल से बाहर का दृश्य जहां पर बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पुरुष अनुयायी जो हैं बैठे हुए हैं, कोई आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और कुछ अनुयायी जो हैं साथ में लेटे हुए हैं विश्राम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर समागम हुआ है और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिंदू धर्म से भी लोग हैं और साथ में कईयों ने बीच में पगड़ी पहनी हुई है, मतलब कि सिख धर्म के लोग भी आए हुए हैं, हर धर्म के यहाँ पे अनुयायी आए हुए हैं। दर्शकों यहाँ पे पैकिंग चल रही है, आइए यहाँ पे जो अनुयायी पैकिंग कर रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं किस चीज की पैकिंग चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पैकिंग यहाँ पे किस लिए चल रही है? ये जो भक्त दूर दूर के आए हुए होते हैं उनको भंडारा देने के लिए, उसके साथ में अचार राम की सेवा की जाती है, उस वास्ते ये पैकिंग चल रही है। जैसे कि यहाँ से जो भी अनुयायी जो हैं या फिर जो भी आने जाने वाले लोग हैं पैकिंग लेके जाएंगे, क्या उनसे आप कोई चार्ज भी लोगे इस चीज़ का? जी नहीं, कोई चार्ज नहीं होता। ये परमात्मा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट भंडारा होता है सभी भक्तों के लिए। जो दूर दूर के अनुयायी आए हुए होते हैं परमात्मा के, उनके सबके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें एक अनोखी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर भोजन भंडारा फ्री कराया जा रहा है और साथ में यहाँ पे फ्री ले जाने के लिए भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी की तरफ से कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि खाने के साथ साथ ले जाने की भी यहाँ पे सुविधा है और कितनी साफ सफाई से देखो यहाँ पे पैकिंग की जा रही है और अचार पैक किया जा रहा है। दर्शकों मेरे पीछे यहाँ पर सतलोक आश्रम का पुस्तकालय है, पुस्तकालय पर भी यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है और भीड़ में यहाँ पे देख सकते हैं आप संत रामपाल जी की पुस्तकों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जताती हुई दिखाई दे रही है। पुस्तकालय जो पे जितने भी सेवादार खड़े हैं वो अपनी सेवा को सुचारू रूप से संभाले हुए हैं यहाँ पर। साथ ही में आप देख सकते हैं ये जो अंदर जाने का गेट है, पंडाल की तरफ ये गेट जा रहा है, यहाँ पर भी देखो कितनी बड़ी भीड़ नजर आ रही है और भीड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। देख सकते हैं आप कुछ लोग जो है यहाँ पे साथ ही में भंडार घर की तरफ जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं और सभी के लिए बैठने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। सामने ही यहाँ पे देख लो आप भोजन के लिए यहाँ पे बर्तन दिए जा रहे हैं और आने वाले लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। अभी हम भंडार घर की तरफ चलेंगे और भंडार घर में देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ व्यंजन बनाए गए हैं। दर्शकों अभी हम आ गए हैं प्रदर्शनी स्थल में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है। सामने बोर्ड लगा है सही भक्ति विधि व सभी ब्रह्मांड, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं खड़े हैं और ब्रह्मांडों के चित्रों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ क्या कुछ लिखा है। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सजावट की गई है, महिला तथा पुरुष दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं आप।
सभी आपस में यहाँ पे विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदर्शनी जो है आध्यात्मिक विषयों पर ही लगाई गई है। दर्शकों, वैसे तो सतलोक आश्रम में व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, एक और अनोखी व्यवस्था हमें यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगाया गया है चार्जिंग स्थल, यहाँ पे महिलाओं के फोन चार्ज करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग सेवादार बैठे हुए हैं, आने वाले श्रद्धालुओं के फोन यहाँ पे चार्ज लगाए जा रहे हैं। हर एक फोन पर यहाँ पे चिट लगाई जा रही है ताकि किसी का फोन यहाँ पे गुम ना हो। चार्जिंग बोर्ड जो है यहाँ पे चार्जरों से खचाखच भरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे फोन रखे हुए हैं। हर एक फोन पे चिट लगाई गई है और काफी सारे चार्जिंग सेवादार मौजूद हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है और एकदम से जब भीड़ आती है तो उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे काफी सारे सेवादार जो हैं बैठे हुए हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मार्च का महीना आ गया है, आज 4 मार्च है। गर्मी को नजर में रखते हुए यहाँ पर ठंडे जल की व्यवस्था भी की गई है। आने जाने वाले अनुयायियों के लिए यहाँ पे पानी के लिए अलग से एक यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। अनुयायी यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, पानी की व्यवस्था देख रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, जो है बूढ़े लोग भी जो हैं, बूढ़े यहाँ पे अनुयायी हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, जो जवान पुरुष जो हैं वो भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। सभी सेवादार जो है अपनी सेवा में तत्पर हैं। यहाँ पे सेवादारों के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सतलोक आश्रम में सभी सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों को जल दिया जा रहा है, सभी आने जाने वालों को कह के यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरियाँ तली जा रही हैं और पूरियों का कड़ाहा देखो आप कितना बड़ा तकड़ाहा है। यहाँ पे एक अनुयायी खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि पूरियाँ किस चीज़ में तली जा रही हैं। नमस्कार सर, ये पूरियाँ जो है किस चीज़ में तली जा रही हैं? यहाँ पे देसी घी में तली जा रही हैं जी। वैसे तो तेल में पूरियाँ तल सकते हैं, देसी घी में क्यों? यहाँ सारा भंडारा देसी घी का है, लड्डू कचोरी पूरी सारा खाना देसी घी में। दर्शकों, एक बात और हमारे सामने आई कि यहाँ पे सतलोक आश्रम में जो है ना, यहाँ पे देसी घी का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अन्य तेल रिफाइंड जो है उनका यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे इन्होंने अनुयायियों ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ शुद्ध देसी घी का ही उपयोग किया जाता है और कोई चीज़ यहाँ पे यूज में नहीं ली जाती। दर्शकों, इस वक्त हम पंडाल में आ गए हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से तथा पुरुषों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है और आने वाली भीड़ जो है लगातार यहाँ पर आए जा रही है और सारी भीड़ जो है सबसे पहले स्टेज की तरफ जाती है। कैमरामैन से कहूँगी स्टेज की तरफ दिखाया जाए सारा दृश्य। स्टेज की तरफ आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्टेज सजाया गया है और स्टेज के सामने सभी अनुयायी जो है आते ही नतमस्तक हो रहे हैं। पुरुषों के लिए अलग से है यहाँ पे भी और महिलाओं के लिए अलग से है। ये चीज़ आपको सारी जगह देखने को मिलेगी, यहाँ पे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग जो है व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मर्यादा बनी रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद है। अनुयायी सारे बैठे हुए हैं आराम से, कुछ चर्चा कर रहे हैं और कुछ। दर्शकों, अभी तक आपने तवे पर रोटियां बनती देखी होंगी, लेकिन सतलोक आश्रम में देख सकते हैं आप यहाँ पर मशीन से रोटियां बनाई जाती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मशीन में कैसी फुली रोटियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं और पुरुष अनुयायी महिला अनुयायी जो है यहाँ पे दोनों जो है इसकी सेवा रोटियों की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटियों को घी लगाया जा रहा है।